वाइस प्रिंसिपल इकरा यूनानी मेडिकल कॉलेज जलगांव। आज आपके सामने और आपसे जिक्र करने का मकसद, आज कम से कम इकरा यूनानी मेडिकल कॉलेज अपने दौरे हाजिर में क्या खिदमत अंजाम दे रहा है। खास तौर से हम जो चाहते हैं कि इकरा यूनानी मेडिकल कॉलेज का इस्टेब्लिशमेंट जो हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह इकरा एजुकेशन सोसाइटी के जरिए चलने वाले 17 इंस्टीट्यूट में इकरा यूनानी मेडिकल कॉलेज ये 99-2000 का इस्टेब्लिशमेंट है। अल्हम्दुलिल्लाह तभी से इकरा अपनी तौर से हॉस्पिटल की खिदमत अंजाम दे रहा है, कॉलेज की खिदमत अंजाम दे रहा है। आज तक हमारे इस कॉलेज से अल्हम्दुलिल्लाह मोर देन 700 स्टूडेंट जो है पास आउट हो चुके हैं, जिसमें बहुत सारे लड़के लड़कियां और अदर देन ऑल ओवर महाराष्ट्र ही नहीं, यूपी से अदर स्टेट से भी बच्चों ने यहाँ से पास आउट होकर अपनी तिब्बी खिदमत अपने अपने एरियाज में अंजाम दे रहे हैं। इसी तरीके से आज हॉस्पिटल के ताल्लुक से हम लोग अगर जिक्र करते हैं तो हॉस्पिटल में अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास में 7 ओपीडीज है, जिसमें सर्जरी, ईएनटी, ऑप्थेल्मिक, इसके अलावा मौलेजात, गायनिक ऑप्स, इसी के अलावा खास तौर से इलाज भी तदबीर की एक हमारा यूनिट जो स्पेशली तौर पर काम करता है, जिसमें इलाज भी तदाबीर के जरिए इलाज किया जाता है, जैसे हिजामा के तौर पे लीच थेरेपी, जो एक मामूली कीड़ा होता है जो हमारी जिस्म की गंदगी को पूरा सक करके हमारी जो भी मर्ज है उसको शिफायाबी अता करता है। इसी तरीके से कुछ एक्सरसाइज है, कुछ मालिश है, इन सब तरीके से इलाज भी तदबीर डिपार्टमेंट में हमारा वर्क होता है। खास तौर से आज जो महाराष्ट्र में या पूरे ऑल ओवर इंडिया में हर तरफ हॉस्पिटल्स में जो परेशान हाल लोग हैं खास तौर से पैसे को लेकर, अल्हम्दुलिल्लाह आज तक जो हॉस्पिटल अपनी तौर से काम कर रहा है ये चैरिटेबल बेसिस पे काम कर रहा है। आज आपको बताते हुए बहुत खुशी होती है कि अल्हम्दुलिल्लाह चैरिटेबल के तौर पे हम लोगों ने अभी तक हर साल अलग अलग ऑपरेशंस अंजाम देते हैं, जिसमें बाहर के खास तौर से सिटी से डॉक्टर योगेश चौधरी है, डॉक्टर समीर चौधरी है और ऐसे बहुत सारे डॉक्टर्स हैं जिनको हम लोग ऑन कॉल बुलाकर उनके जरिए से उस पेशेंट के ऊपर सर्जरी का प्रोसेस करते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह पेशेंट पूरी तरीके से सेहतियाब होकर अपने यहाँ से रवाना होता है। इसी तरीके से अगर कॉलेज के ताल्लुक से आप लोग जानना हो तो कॉलेज के ताल्लुक में यह है कि हमारे पास में आज की डेट में अल्हम्दुलिल्लाह 14 डिपार्टमेंट वेल इस्टेब्लिश्ड है। अल्हम्दुलिल्लाह 38 का कंप्लीट स्टाफ है जो टीचिंग के फ़र्ज अंजाम देता है और अपने अपने तौर से अपनी तिब्बी खिदमत अपने बच्चों के जरिए से प्रैक्टिकल के रूप में उनको समझाता भी है और उनके साथ में काम करता है। अल्लाह का एहसान और करम है कि यहाँ पर मैं एज अ वाइस प्रिंसिपल काम कर रहा हूँ, लेकिन मैं आज जो कुछ भी बना हूँ मेरे उस्तादों की रगबत, शफक्कत और उन्हीं की देन है कि आज अल्हम्दुलिल्लाह इस दर्जे पर पहुँचा हूँ। आज अल्लाह का लाख लाख एहसान और करम है कि मेरे उस्ताद मेरी सरपरस्ती में काम कर रहे हैं और हम लोग साथ में एकजुट होकर काम कर रहे हैं। अल्लाह का लाख लाख एहसान है और आप लोगों से भी दुआ की गुजारिश है कि अल्लाह ताला इसी तरीके से इस इदारे को तरक्की के फराइज अंजाम दे। 14 डिपार्टमेंट में हर डिपार्टमेंट में जिस तरह से एज पर CCIM, पहले CCIM हुआ करता था, अब नेशनल कमीशन ऑफ इंडियन मेडिसिन NCISM जो बना है उसी के एस्टेब्लिशमेंट रूल्स रेगुलेशन के एतबार से हर पूरे 14 डिपार्टमेंट हमारे फुलफिल है। हर डिपार्टमेंट में हर लेक्चर जो भी उनकी पोस्ट होती है, प्रोफेसर है, रीडर है, लेक्चरर है, अल्लाह का एहसान और करम है। इसी के साथ साथ हमारे पास में हर डिपार्टमेंट में अलग अलग प्रैक्टिकल सेशंस होते हैं, जैसे मुनाफिउल आज़ा अगर फिजियोलॉजी डिपार्टमेंट लेते हैं तो उसमें माइक्रोस्कोप्स के जरिए डायग्रामेटिक के तौर पे, इसी तरीके से एनाटॉमी लैब जो होती है जिसमें हम यूनानी को तशरीहुल बदन कहते हैं, इसमें अल्हम्दुलिल्लाह हर बॉडी का डिसेक्शन होता है, बच्चों को प्रैक्टिकली उसके ऊपर समझाया जाता है। ओरिजिनल बॉडी बोन सेट ये हमारे पास में मौजूद है। इसी के अलावा 3 डेड बॉडी हमारे पास में है जिनको हम बच्चों को डिसेक्शन के तौर पे उसको एक्सप्लेन करते हैं प्रैक्टिकली। अल्लाह का एहसान और करम है कि अभी हमारा जो इनटेक कैपेसिटी है कुछ सालों पहले तक 50 हुआ करता था, अभी अल्हम्दुलिल्लाह 60 हो चुका है और हर साल 68 स्टूडेंट्स हमारे पास में एडमिट होते हैं ऑल ओवर महाराष्ट्र से नहीं, अदर देन जैसे कि अभी आप लोगों ने जाना होगा कि ऑल इंडिया कोटा जो स्टार्ट हुआ है उसमें ऑल ओवर इंडिया से बच्चे हमारे पास में एडमिट होते हैं। इसी के साथ साथ फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर ये सब कैलकुलेशन करने के लिए अभी एट अ टाइम हमारे पास में मोर देन 250 स्टूडेंट्स स्टडीज है, एज ए स्टूडेंट हमारे पास में पढ़ रहे हैं, अपने प्रैक्टिकल अपने लेक्चर्स को वो अपने तौर से अंजाम पाते हैं, कंप्लीट होते हैं। इसके अलावा अभी जो एक बुरा वक्त खास तौर से ऑल ओवर वर्ल्ड पर दुनिया पर गुजरा है कोविड-19 के रूप में,
अल्लाह का एहसान लाख लाख बार शुक्र है कि अल्लाह ने उस मरहले में भी कहीं पर भी इकरा को कम नहीं किया। अल्लाह का एहसान और करम है कि हमारी मैनेजमेंट, हमारे सरपरस्त, हमारे रहनुमा, जिन लोगों ने ये इस इदारे की कामयाबी के लिए आज तक अब जुटे हुए हैं, हमारा जो हॉस्पिटल बिल्डिंग है, खासतौर से सामने का जो हॉस्पिटल बिल्डिंग है, वो फ्री ऑफ चार्ज गवर्नमेंट को दिया। कोई उसके ऊपर एक रुपया किसी का मतलब कर नहीं है कि ना ही उसके ऊपर हम लोगों ने माहाना दिया, ना ही किसी पेशेंट से हम लोगों ने कोई चार्जेस लिए, फ्री ऑफ चार्ज अपनी सर्विस दी। अल्लाह का एहसान करम है कि फर्स्ट वेव, कोरोना की फर्स्ट वेव जो गुजरी है, उसमें मोर देन 1000 पेशेंट, आई थिंक 1200 के आसपास पेशेंट जो है रिकवर होके गए। अल्लाह का एहसान है कि उसमें मॉर्टेलिटी रेट कॉलेज का जीरो रहा। कॉलेज की तरफ से हमारे उस्ताद, हमारे टीचर्स, हम खुद उसमें लगे हुए थे, अपनी तौर से बगैर किसी जरूरत के वहां पर अपने फराइज अंजाम दे रहे थे, सिर्फ ह्यूमैनिटी बेसिस के ऊपर। अल्लाह का एहसान है, अल्लाह ने उसमें कामयाब किया। सेकेंड वेव जो गुजरी है, उसमें मोर देन 900 पेशेंट्स हमारे पास में एडमिट हुए, रिकवर हुए, लेकिन दो आई थिंक 30 पेशेंट उसमें हमारे पास में डेथ हुए थे। लेकिन कंपेरेटिवली ऑल ओवर डिस्ट्रिक्ट का रेशियो अगर आप देखेंगे तो इकरा यूनानी मेडिकल कॉलेज का मॉर्टेलिटी रेट 1% और 2% रहा है। इसी के साथ साथ जिस तरह से आपने देखा कि गवर्नमेंट ने वैक्सीनेशन प्रोसेस स्टार्ट किया और हमारी जो कॉम थी खासतौर से वैक्सीन के लिए डर रही थी, हम लोगों ने वो वैक्सीनेशन सेंटर खुद लिए और अल्लाह का लाख लाख एहसान और करम है कि आज भी वो वैक्सीनेशन सेंटर स्टार्ट है। अभी तक हमारे पास में 11,000 से ज़्यादा लोगों ने वैक्सीनेटेड हो चुके हैं, जिसमें बच्चों के वैक्सीनेटेड कोवैक्सीन के रूप में दिए जा रहे थे और एडल्ट जो वैक्सीनेशन था वो कोविडशील्ड के रूप में दिया जा रहा था। इसी के साथ साथ सोसाइटी की तरफ से खासतौर से एक फ्री एम्बुलेंस सर्विस चलाई गई, जिसमें चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे किसी समाज का हो, अगर वो डेथ होती है तो सिविल हॉस्पिटल से उसको लेके अंतिम संस्कार तक और सिविल हॉस्पिटल से लेके कब्रिस्तान तक फ्री ऑफ चार्ज उसको लिया जा रहा था। इसी के साथ साथ सिटी में अगर किसी भी एरिया में, किसी भी घर में कोई पेशेंट बीमार नजर आ रहा था या हमको किसी भी किस्म की खबर लगती थी तो हमारी एम्बुलेंस फ्री ऑफ चार्ज वहां पर जाती थी, वहां से लेकर अपने उसको जो भी उसको जरूरतमंद हॉस्पिटल है वहां तक पहुंचाने का काम कर रही थी। अल्लाह का लाख ऐसा करम है कि अल्लाह ने जो कुछ भी काम लिया है इसको वो कबूल फरमाए। इसी के अलावा और बहुत सारी ऐसी एक्टिविटी है जो हमारे बच्चे अपनी तौर से काम करते हैं। खास तौर से आप देखिए कि तामापुर की जो बस्ती नज़दीक में लगी हुई है, इधर से शिरसोली की तरफ से जो बस्ती लगी हुई है, आए दिन हमारे अलग अलग डिपार्टमेंट की तरफ से उनके सर्वे लिए जाते हैं और जो भी अफेक्टेड इफेक्टेड पेशेंट्स मिलते हैं तो उन लोगों के ऊपर बाकायदा पूरी तरीके से दवाई के साथ इलाज किया जाता है। इसी तरीके से हमारे प्रिंसिपल डॉक्टर अब्दुल कुद्दूस साहब की रहनुमाई में और हमारे उस्ताद इकराम, खासतौर से हमारे डॉक्टर इकबाल शेख, डॉक्टर एजाज शाह, डॉक्टर नदीम रहमानी, डॉक्टर नसीम अंसारी, इस तरह से बहुत बड़ा पूरा अल्हम्दुलिल्लाह पूरा स्टाफ जुड़ा हुआ है जो इस तरह से पूरा काम अंजाम दे रहा है और एक अदना सा सिपाही बनकर मैं इस फर्ज में, इस काम में लगा हुआ हूँ। अल्लाह ताला हम सबको इस तरह से जुड़े रखे और इस काम को हम हमारी तरफ से मुकम्मल करवाए। फर्दर प्रोजेक्ट कुछ होंगे अभी अल्लाह का एहसान, दुआ कीजिए कि हॉस्पिटल खासतौर से हमारा जो सिंप्लिसिटी के ऊपर चलता है, खासतौर से चैरिटेबल में, ऑपरेशन थिएटर में, अभी हमारे प्रोजेक्ट्स में इंशाल्लाह शामिल है कि हॉस्पिटल को मल्टी स्पेशलिटी किया जाए, खासतौर से चैरिटेबल के तौर पर ही क्यों ना हो। जो ऑन कॉल डॉक्टर्स होते हैं, जैसे ENT सर्जन है, ऑप्थेल्मिक सर्जन है, जनरल सर्जन है, ऑर्थोपेडिक है, गायनिक है, सीजेरियन है, ये सब प्रोसेस अल्हम्दुलिल्लाह कॉलेज और हॉस्पिटल की तरफ से हम लोग स्टार्ट करने के प्लानिंग में है। इसी के साथ साथ कॉलेज या एकेडमिक साइड से आप अगर देखेंगे तो हमारी कोशिश जारी है कि जिस तरह से हमारा इंटेक 50 था उसको 60 किया गया, अब अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि वो 60 को 100 करने की प्लानिंग है। साथ ही कुछ डिपार्टमेंट्स ऐसे हैं जिसमें MD लाने का इंशाल्लाह हमारा प्लानिंग है। दुआ कीजिए अल्लाह ताला उसमें हमको कामयाबी अता करे। इकरा यूनानी मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल का ये जो है इल्मुल अदविया, हम कहते हैं फार्माकोलॉजी, इसका ये शोभा या डिपार्टमेंट है और इस डिपार्टमेंट में जो है जो जड़ी बूटियां इलाज मुआलजा में इस्तेमाल करते हैं तो उसकी मालूमात दी जाती है, यानी प्लांट्स है और मिनरल्स है, एनिमल सोर्स, जो तीनों भी ये सोर्सेस है ड्रग्स के, दवाओं के, तो उनको यहाँ मतलब
बच्चों को उसकी तालीम दी जाती है, प्रैक्टिकली उनको बताया जाता है, पहचान कराई जाती है दवाओं की कि ये किस तरह से नज़र आती है, क्या इनके कामकाज होते हैं, क्या इनका टेम्परामेंट या मिजाज होता है, दवाओं की शनाख्त की जाती है, आइडेंटिटी जिसको कहते हैं, और उनके डोजेस वगैरह बताए जाते हैं, यूजेज एक्शंस बताए जाते हैं, उनके साइड इफ़ेक्ट्स बताए जाते हैं। तो किसी भी बीमारी को दूर करने के लिए जहाँ पर डायग्नोसिस और तशखीस जिसको कहते हैं वो बहुत ज़रूरी और अहम होती है, तो उसके बाद का जो पार्ट आता है वो ट्रीटमेंट का पार्ट आता है। ट्रीटमेंट में जो है एक लाइन ऑफ ट्रीटमेंट होता है और एक ट्रीटमेंट होता है, तो जो ट्रीटमेंट का पार्ट होता है उसमें जो दवाओं को चूज करना पड़ता है कि भाई इस बीमारी को दूर करने के लिए इस मरीज को कौन सी दवाएं इस्तेमाल करना चाहिए, तो वो दवाओं की पहचान होना ज़रूरी है, उनके मिजाज से वाकफियत होना ज़रूरी है, और उन दवाओं के कामकाज, अफाल, यूजेस जो है, साइड इफ़ेक्ट, डोजेस, ये सब चीज़ें बहुत अहमियत रखती है किसी भी बीमारी और मर्ज को दूर करने के लिए, किसी भी बीमारी का इलाज करने के लिए। तो यही फार्माकोलॉजी या इल्मुल अदविया, दवाओं का इल्म जो है, ये उसका एक अहम डिपार्टमेंट होता है जिसमें सारी चीज़ें बताई जाती है। और जब तक हम दवाओं को अच्छे से पहचानेंगे नहीं, उसके बारे में समझेंगे नहीं, तो हम इलाज में जो है वो पूरी तरह से मतलब उसको हम कर नहीं पाएंगे ट्रीटमेंट को। तो यही डिपार्टमेंट है जिसमें कि ये सारी चीज़ें बताई जाती हैं।